प्रणाम मम्मी, कैसी हैं आप? अच्छा मम्मी, मैंने आपके और पापा के वैष्णो देवी जाने के लिए हवाई जहाज़ की टिकट बुक करा दी। हाँ, और आपके पाँव में भी दर्द बहुत रहता है, तो आपको चलने में परेशानी भी बहुत होती है, तो उसके लिए मैंने हेलीकॉप्टर बुक करा दिया। आपको चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा मम्मी, वहाँ पर जाके आप होटल वोटल मत ढूंढना, क्योंकि मैंने आपको होटल भी बुक करा दिया। खामखा परेशान होंगी आप। ठीक है। अच्छा मम्मी, कोई और परेशानी या दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मम्मी, प्रणाम मम्मी। सुनो, हमारी लॉटरी निकल आई है क्या, जो तुम इतने खर्च पे खर्च किए जा रहे हो? हमारी कहीं से 2 नंबर की कमाई तो आती नहीं है। मेरी एक ड्रेस खरीदने में तुम्हारी जान निकल आती है, घर के सारे खर्च ही याद आ जाते हैं तुम्हें, पर अभी देखो पानी की तरह पैसे बहा रहे हो और कुछ याद नहीं आ रहा, कोई घर के खर्चे नहीं। अभी के अभी ये सारे प्लान्स कैंसिल कर दो, मैं बता देती हूँ, वरना अपना रात का खाना कहीं और देख लेना। कैंसिल करो अभी तुरंत। ठीक है। मम्मी, मैं आपके और पापा की टिकट कैंसिल कर रहा हूँ हवाई जहाज की। कुछ पैसों वैसों की दिक्कत आ गई है, तो आप लोग चले जाना, अपने हिसाब से देख लेना बस बस से, और जो भी प्रोग्राम बनेगा आपका। अच्छा मम्मी, माफ करना। ठीक है मम्मी। आए बड़ी, हवाई जहाज में बैठ कर जाने वाले, सारा प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया मैंने, अब जाए बस या ट्रेन से धक्के खाते हुए। हेलो। हाँ मम्मी, कैसे हो? हाँ, यहाँ तो सब ठीक है बेटा। तुम बताओ, वहाँ कुछ परेशानी है क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, मैं कह रही थी, दामाद जी ने हमारे वैष्णो देवी जाने के होटल के और हवाई जहाज के टिकट कराए थे, और वो अचानक से कैंसिल कर दिए। कुछ दिक्कत हो गई है क्या? परसों तो कह रहे थे कि मम्मी पापा आप इस महीने वैष्णो देवी चले जाओ, और अगले महीने अपने मम्मी पापा की टिकट करा दूंगा, फिर पता नहीं क्यों कैंसिल कर दिया। अच्छा, मैं देखती हूँ, मैं फिर आपसे बात करती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम अपने माँ बाप को वैष्णो देवी भेज रहे हो, और इसीलिए मैंने गुस्से में आके वो टिकट्स कैंसिल करवा दिए, पर तुमने तो कभी भी अपने और मेरे माँ बाप में फ़र्क नहीं किया, और मैं हमेशा जानबूझकर उनको हमेशा नीचा दिखाती रही। आई एम सो सॉरी। प्रिया, पता तुम्हें, ये सोच सिर्फ तुम्हारी नहीं है, अधिकतर हर बहुओं की यही सोच है कि ये मेरे माँ बाप तो है नहीं, ये तो मेरे पति के माँ बाप हैं। और तुम लड़कियाँ कैसे भूल जाती हो कि जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला है, वैसे हमारे माँ बाप ने भी तो हमें पाल पोस कर बड़ा किया। माँ बाप सोचते हैं कि शादी करने के बाद बहू आएगी हमारे पास, हमारे सुख दुख में साथ देगी, रिश्तों को समझेगी, और होता उसके बिल्कुल उल्टा है। तुम लोग माँ बाप से उसके बेटे को अलग कर देते हो, पर तुम भूल जाते हो कि तुम्हारे भी तो माँ बाप है, तुम्हारे भी भैया भाभी है। कुछ सोचो, अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारे माँ बाप से ऐसे करे तो, इसलिए घर को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना कि तोड़ने का। रिश्ते हमारे अपने ही होते हैं, और उनको संभालना भी हमारे हाथ में ही होता है। और मैंने मम्मी पापा की कोई टिकट कैंसिल नहीं कराई, वो सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था, उनको बता देना।